विधानसभा उपचुनावों के लिए भाजपा ने कमर कसना शुरू कर दी है। धर्मशाला उपचुनाव के लिए भाजपा ने विधानसभा क्षेत्र को 4 जोनों में बांटकर प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने मोर्चा संभालते हुए धर्मशाला में बूथ स्तर पर ताबातोड़ बैठकें की और इन बैठकों में पार्टी पदाधिकारियों के साथ साथ बूथ अध्यक्ष BLA और अन्य पदाधिकारियों ने भाग लिया। विधानसभा उपचुनावों के लिए भाजपा ने कमर कस ली है। धर्मशाला उपचुनाव के लिए भाजपा ने विधानसभा क्षेत्र को 4 जोनों में बांटकर प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने मोर्चा संभालते हुए धर्मशाला में बूथ स्तर पर ताबड़तोड़ बैठकें की। इन बैठकों में पार्टी पदाधिकारियों के साथ साथ बूथ अध्यक्ष BLA और अन्य पदाधिकारियों ने भाग लिया। भाजपा ने विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरणों को साधते हुए नेताओं को जिम्मेवारियां सौंप दी हैं और अब सक्रिय बैठकों का नुक्कड़ सभाओं का दौर शुरू हो गया है। भाजपा भले ही अभी तक प्रत्याशी का नाम फाइनल न कर पाई, लेकिन कांग्रेस के प्रभावी चेहरे को देखते हुए सत्ताधारी दल ने संगठनात्मक रूप से मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। इसके लिए अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वयं मोर्चा संभाल रहे हैं। भाजपा के बीच मचे घमासान के बीच डैमेज कंट्रोल सहित सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कमान अपने हाथ में ले ली है। बैठकों के उपरांत धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत में सती ने कहा कि उपचुनाव के लिए धर्मशाला में 3 मंत्रियों को प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है और उन्हें 22-22 बूथों का जिम्मा सौंपा गया है, जबकि एक विधायक के जिम्मे 3 बूथ रहेंगे। आने वाला जो उपचुनाव है धर्मशाला क्षेत्र का, उस धर्मशाला के इस चुनाव की तैयारी के लिए हम लोगों ने इस विधानसभा को 4 सेक्टर में बांटा। वो 4 सेक्टर की आज मीटिंग थी, उसमें अलग अलग व्यक्तियों को, मंत्रियों को ड्यूटियाँ लगाई गई है, कार्यकर्ताओं को ड्यूटियाँ लगी है, अलग अलग विधायकों की, इस पार्लियामेंट के लोगों की ड्यूटी लगी है। उन 4 सेक्टर की मीटिंग के माध्यम से हम लोगों ने अगली 20 तारीख तक अलग अलग जो हम लोगों ने उससे आगे छोटे सेक्टर बनाए हैं 3-3 बूथ के, उनकी मीटिंगों का हम लोगों ने आयोजन करने का निर्णय लिया है। आने वाला चुनाव कुछ दिनों के अंदर हम लोग मानते हैं कि चुनाव आयोग के माध्यम से डिक्लेयर होने वाला है। जैसे ही चुनाव आयोग चुनाव की तिथि डिक्लेयर करेगा, भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश चुनाव समिति की मीटिंग करेगी। चुनाव समिति में कैंडिडेट्स के ऊपर चर्चा होगी। चर्चा के बाद जो भी निर्णय लिया जाएगा उसको लेकर के जब भी पार्लियामेंट बोर्ड हमें दिल्ली बुलाएगा तो हम लोग दिल्ली जाकर के उनके सामने विषय को रखेंगे। और पार्लियामेंट बोर्ड जिस भी व्यक्ति के नाम के ऊपर मोहर लगाएगा, उस व्यक्ति को कैंडिडेट के रूप में हम लोग धर्मशाला में और पश्चात विधानसभा क्षेत्र में लेकर के आएंगे। और हम लोग मान करके चलते हैं कि केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए थे, उसका लोकसभा में हम सब लोगों को बहुत बड़ा अपार जन समर्थन जनता ने दिया। और अभी जयराम ठाकुर जी की गवर्नमेंट पिछले 1.5 वर्षों से हिमाचल प्रदेश के अंदर जो जनता के हित के काम कर रही है, समाज के काम कर रही है, हर व्यक्ति को टच कर रही है, उन विषयों को लेकर के हम बीच में जाएंगे। और इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास 35 सालों तक चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति आज हमारे MP हैं, किशन कपूर जी। और किशन कपूर जी इस विधानसभा क्षेत्र की एक एक बात से, एक एक व्यक्ति से वाकिफ हैं, इतने सालों में उन्होंने काम भी किया है। उन सब कामों को जनता के बीच हम लोग लेकर के जाएंगे और जब जनता के बीच हम लोग जाएंगे तो हमारा उनसे आग्रह रहेगा कि हमारा विधायक जहाँ से फिर से जीते, हमारे MP जहाँ से जनता ने जिताए हैं, तो केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार, केंद्र के हमारे सांसद और प्रदेश के हमारे विधायक जब इकट्ठे होकर के योजनाएं बनाएंगे तो विधानसभा धर्मशाला का और भी विकास होगा। दूसरी राजधानी के रूप में जो विख्यात हो रहा है शहर और ये विधानसभा, उसको और भी 4 चांद आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से लेंगे। सर, भाजपा ने जो है नीचे दाम चली हुई है, उसके बारे में आप बड़ा परिवार है, दोनों जगह सरकारें हैं और भारतीय जनता पार्टी भी आगे मास ऑपरेशन है। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।